फ्रेंड्स, माय नेम इज़ इब्राहिम। आई होप यू आर फाइन। सो फ्रेंड्स, अभी सुबह सुबह का टाइम है, अभी निकलने लगे हैं बैल देखने के लिए, कुर्बानी के लिए। तो बड़े भाईजन कल लाहौर से स्पेशल आए थे यहाँ पे, क्योंकि लाहौर मंडी में आपको पता ही है सही नहीं मिल रहे, कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, इनके अंदर कोई वायरस ऐसा आया हुआ है, पता नहीं क्या है, अल्लाह बेहतर जानता है। तो अभी यहाँ पे विलेज एरिया में 6-7 पता चला है कि जगह जगह पर, यानी कि किसी घर ऐसे करके खड़े हुए हैं बैल, तो उन्होंने सेल आउट करने, तो वो हम लोग अभी चलते हैं, जैन भाई और मैं जाके देखेंगे और फिर जाके आपको भी दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह का टाइम है, अभी हम लोग आ गए हैं एक बैल देखने के लिए, तो जैन भाई भी साथ हैं, तो इमरजेंसी निकले हम लोग के बैल देख लें। फ़ोन आया था उनका कि आ जाएं, तो ये देखें पीछे बोर्ड पड़ी हुई है, इसके अंदर पता नहीं किक्कर होता दरख्त, उसके वो गंडे वगैरह भी काफ़ी सारे लगे हुए, उन्होंने रखा हुआ, पता नहीं क्यों रखा हुआ। तो ये सारा विलेज एरिया का हालात है, यहाँ पे ऐसे होता है विलेज एरिया। तो अभी बैल देखते हैं, वो आपको भी दिखाते हैं साथ साथ, 2-3 बैल देखने हैं। अभी फर्स्ट टाइम इनके पास आए हैं, आगे देखते हैं किसके पास आए। ये देखें, पानी पीने वाला नलका होता था पहले, यानी कि गांव एरिया में गवर्नमेंट का पानी नहीं आता, तो ये ज़मीन में लगा होता है बोर करके, तो इसे यहाँ पे वो लगी होती थी पंप मारने के लिए, तो वो करते थे फिर इसके अंदर से पानी आता था। ये पुराने वक्तों का देखिए, अभी तक लगा हुआ है। और ये बोट है, ये नहर वगैरह में चलती है, तो ये इसके अंदर ये देखिए कंडे वगैरह वैसी रखी हुई है, इधर ऐसी बोट होती थी गाँव एरिया में। और ये जो आपको थापियाँ नज़र आ रही हैं, इसे थापियाँ बोलते हैं, ये भैंसों का जो गोबर होता है उसे ये इकट्ठा करते हैं, उसके अंदर तूड़ी वगैरह मिक्स करते हैं, बाद में इसे जलाते हैं। बोर्ड को देखें, लकड़ी की बनी हुई है, ये पहले लकड़ियों की बोर्ड बना के पानी के अंदर रखते थे, उस पर फिर सफ़र करते थे, देखने लीक नहीं होती थी, ये सारी वुड की बनी हुई है। तो आजकल जो बना रहे हैं वो फाइबर की और पता नहीं क्या क्या चीज़ें लगाते हैं। की चाटी लस्सी बहुत लगा है ना, थोड़ी यार बारिश हवेली अपनी पापा है बुला अच्छा किसी ने दिखती है मुंडा पुत्र बनाया उधर रहा अच्छा तो खंडे तो रास्ते ही 16 हूँ इन्हें वाली वारस कोई नहीं है मुंडा वो भी उन्होंने। ये देखें जी, ये घर वुड का दरवाज़ा लगा हुआ है लकड़ी का, और ये ताला थे, ऐसे ताले होते थे पहले, ना कोई खोल सकता था ना कुछ। जैन भाई की हाइट के जितना है ताला और दरवाज़ा। और एक और ये जो दरवाज़ा है, ये भी देखिए पहले ऐसी होती थी, कुंडियाँ लगाते थे, ऐसे लगाते थे, अब तो दूसरी आ गई ना, पहले ऐसे लगाते थे। ये जो आप नज़र आ रही जो है, ये देखिए इसे ऐसे करके ऐसे ही दरवाज़ा था, कुंडी लगाए थे, साथ ताला लगाए देते थे, तो ऐसे ही होता था पीछे, पहले ये भी दरवाजे होते थे। ये एक है, ये भी देखो, जा डर रहा है कोई रोला नहीं दोस्तों शीटा वाला नहीं ओके साडा है जमीन ये एक देख लिया फर्स्ट, काफी हाइट छोटी है इसकी, ये पसंद नहीं है, तो आपने जैसे के देखा, तो
तो अभी जो दूसरे वाले हैं उनको देखने जा रहे हैं, अल्लाह करे कि वो पसंद आ जाए और अच्छी हों। और रेट का कोई मसला नहीं होता, लेकिन चीज़ प्यारी खूबसूरत होनी चाहिए। ये भी खूबसूरत है लेकिन हाइट थोड़ी छोटी है इसकी, तो पता नहीं अब कुर्बानी में लगता है कि नहीं लगता। हमारा माइंड नहीं बना तो हम दूसरा देखने जा रहे हैं। ये है दूसरा, ये गंदा हो गया। ये तीसरा है ये, माशाल्लाह जी चौथा वाड़ा बैल जो है वो देख लिया। अब ये चौथा है, ये पांचवा, माशाल्लाह ये खूबसूरत है माशाल्लाह। बारिश भी आने वाली है, बादल बहुत हैं। ये है छठा माशाल्लाह, ये भी खूबसूरत है। ज़्यादा ख़राब हो गया, बारिश आने वाली है और ये आंधी आप देख सकते हैं पीछे कितनी तेज़ आंधी आ गई है। मिट्टी भी काफ़ी ज़्यादा उड़ रही है। तो तकरीबन 6-7 के करीब हमने जो है बैल देखे हैं, बच्चे जिस बोलते हैं, माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत थे। एक दो पसंद आए हैं लेकिन रेट की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो अभी बड़े भाईजन कह रहे हैं एक जगह पर और देखने जाना है। एक जगह पर देखने वहाँ पर 2-3 खड़े हुए हैं, तो वो देख के अगर वो ना हमें पसंद आए तो फिर एक इनमें से जो अभी देख के आए हैं उनमें से एक भाई को पसंद आया तो वो हम लोग लाजमी लेंगे, तो उनमें से यानी कि एक को हम ले लेंगे। तो मुझे भी एक और पसंद आया, वो वीडियो में आपको पता चल जाएगा मुझे कौन सा पसंद आया। ये देखिए हवा को इंजॉय कर रहे हैं, ये वेदर देखें, काफ़ी मट्टी उठना शुरू हो गई, बारिश आएगी काफ़ी तेज़, ऊपर तूफान है, ऊपर देखिए कितनी ज़्यादा मिट्टी जमा हो गई है और बारिश आनी है। आज की बताई हुई थी कि बारिश होगी, गूगल पे पता चल रहा था, अभी देखते हैं क्या होता है। बारिश हो जाए अच्छी बात है, ठंडी हवा आ रही है इसका मतलब कि बारिश हो रही है कहीं। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएँ और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी ये देखिए बालों का क्या हाल हो गया, क्योंकि आउटडोर अगर निकलें तो विलेज एरिया में मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फी मान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।